जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे हम गोली खा के झूमेंगे आंखों बढ़ के झूमेंगे मन वाले मन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे गोली खा के झूमेंगे आंखों बढ़ के झूमेंगे मन वाले मन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे ये बेरोजगारी की समस्या है ये बेरोजगारी की समस्या एक तरफ हम मांग करेंगे दबाव बनाएंगे सरकार पर लड़ाई लड़ करके हम अपने हक और अधिकार को लेंगे ये भीख मांगने से हमको अपना अधिकार नहीं मिलेगा अधिकार लड़ाई से मिलेगी संघर्ष से मिलेगा हम उस संघर्ष की ओर आगे बढ़ेंगे साथ ही साथ संघर्ष करते हुए हमको एक और बात ख्याल रखना जरूरी है कि संघर्ष करेंगे लेकिन संघर्ष के साथ साथ उसकी दिशा क्या हो ये भी बात हमको ठीक से समझना होगा यदि रास्ता ठीक नहीं हो तो हम लड़ाई लड़ेंगे अंधे की तरह लड़ाई नहीं होगी लड़ाई के लिए रास्ता भी हमको ठीक से चुनना पड़ेगा ये रास्ता यदि हम ठीक से नहीं चुनेंगे तब हम फिर धोखा खाएंगे और उसी से निराशा आएगी हमारे भी नौजवान नहीं समझेंगे विद्यार्थी नहीं समझेंगे जिस कारण से ये समस्या पैदा हो रही है तब तक वो ये लड़ाई फिर चुनाव में तब्दील हो जाएगा वोट में तब्दील हो जाएगा और जो चुनावबाजी पार्टियां हैं वो चुनाव में इसका सिर्फ फायदा उठाएंगे इसीलिए जरूरी है कि आपको समझना कि इसका मूल कारण कहां है क्योंकि इस देश में हर पॉलिटिकल पार्टी फेल हो चुके हैं लाखों लाखों लोगों का वोट लेते हैं और ऊपर एक पार्टी का एक वोट बन जाते हैं वो ये नहीं समझते कि रोजगार एक हक है रोजगार इस देश में इस दुनिया में भारत में सिर्फ काम नहीं है रोजगार हर नौजवान का आइडेंटिटी है इस मानव सोसाइटी जो विकास हो रहा है हर आदमी का रोजगार वो है वो भी सेवा करे वो भी कंट्रीब्यूट करे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम वी हैव टू से चलो पार्लियामेंट बिकॉज वी आर द मेजॉरिटी ये पॉलिटिकल पार्टी लोग माइनॉरिटीज है इट इज वी हू विल डिसाइड द नेशन इट इज वी विल डिसाइड व्हाट शुड बी डन टू द नेशन
एंड मैं आपके साथ हूं हर लैंग्वेज की हर भाषा की हर जात की हर धर्म के लोग मुझे प्यार करके यहां आके खड़े हुए हैं खड़ा हुआ है मुझे आई हैव टू रिटर्न बैक टू द सोसाइटी मैं यहीं रहूंगा आपके साथ लड़ते रहो लड़ते रहेंगे इनके बाद जिंदाबाद देते हमारी मांग है बेरोजगार नौजवानों को जीने लायक बेरोजगार भत्ता देना होगा हमारी मांग है कि रोजगार को मौलिक अधिकार का दर्जा देना होगा 72 साल हो गए आजादी का आज भी हमें ये मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ना पड़ रहा है ये एक शर्म की बात है चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे अन्य कोई भी सरकार जो 52 साल से लेकर 2014 तक चुनाव करते आई है चुनाव आ रही है पॉलिटिकल लीडर्स आपके सामने खड़े हो जाएंगे नौजवान के सामने विभिन्न तरह का लालच लेकर खरीदेंगे चरित्र को खरीदेंगे इसके खिलाफ एक सशक्त जुझारू सांस्कृतिक आंदोलन के तैयार करने के लिए AIDYY तैयार है कि आंदोलन लड़ाई इसके माध्यम से ये संस्कृति का निर्माण हो सकता है आप लोग सुने होंगे पिछले 2 साल पहले अरब स्प्रिंग कायरो सिटी में 18 लाख नौजवान नौजवती कायरो का रास्ते पर खड़े रहे 18 घटना ऐसा नहीं हुआ जो हमारे संस्कृति का खिलाफ है लड़ाई इंसान को ताकत देता है संस्कृति का निर्माण करता है और हम कॉमरेड शिवदास घोष के छात्र AIDYY के सदस्य नेता कर्मी कार्यकर्ता सभी इस आदर्श को लेकर लड़ाई को तेज करने के लिए बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने के लिए आप संस्कृति के खिलाफ लड़ने के लिए महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए समाज में जो भी बुराइयां हैं समाज में जो भी समस्या है इस समस्या के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए तैयार है और अनुप्रार यूज और योर चौकीदार ऑफ अदानी अंदानी यू शुड मेक क्लैरिफिकेशन यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू मिस्टर मोदी सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू हु आर गैदर्ड हियर You should go back to your states with clarity. We should build up mighty youth movements in the coming days. So I request you to take pledge to develop youth movement in our nation. Viva Youth Brigade! Viva AIDYY! Viva AIDYY!